दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ WooCommerce की सेटिंग्स के बारे में। तो WooCommerce के सेटिंग्स के डैशबोर्ड पे जाने के लिए आप WooCommerce पे होवर करो और रिपोर्ट्स के नीचे सेटिंग्स आता है। तो जब आप सेटिंग्स पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि इसमें बहुत तरह के सेटिंग्स होते हैं, जैसे कि जनरल, प्रोडक्ट्स, शिपिंग, पेमेंट, अकाउंट एंड प्राइवेसी, ईमेल एंड एडवांस्ड। और एक टैक्स का भी ऑप्शन होता है, जो कि प्रोडक्ट में अगर आप टिक करोगे कि टैक्स हमारे पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट पे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट के बाद टैक्स का सेटिंग्स ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल सेटिंग्स के बारे में। तो जनरल सेटिंग्स के बारे में क्या होता है कि सबसे पहले हमें अपना स्टोर का एड्रेस देना पड़ता है, जो कि बिजनेस एड्रेस है। जबकि आप गवर्नमेंट में रजिस्टर कर रहे थे तो आपने वही एड्रेस दिया था, क्योंकि इसी के हिसाब से टैक्स और शिपिंग रेट कैलकुलेट होता है। तो आपको क्या करना है, अपना शॉप का या फिर स्टोर का, या फिर कोई अगर आपका स्टोर नहीं है तो भी आपने जो रजिस्टर करते वक्त जो ऑफिस दिखाया होगा गवर्नमेंट को, वही एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेस 1, एड्रेस 2 और फिर सिटी, कंट्री, स्टेट, पोस्ट कोड, जिप। फिर आपके पास आता है जनरल ऑप्शन, एक होता है सेलिंग लोकेशन, मतलब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि क्या आप सारे कंट्रीज में बेच रहे हो, या फिर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में बेच रहे हो, या फिर सारे कंट्री में बेच रहे हो एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज के। तो इसमें तो जब आप सेलेक्ट करते हो सेल टू ऑल तो आपको कुछ नहीं करना होता, बट आप एक स्पेसिफिक कंट्री वाला सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे सारा चूज करना होता है कि कौन कौन सा कंट्री। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कंट्री के ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप मान लो कि आप सारे के सारे कंट्री में बेच रहे हो, एक दो को छोड़ के, तो आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सारे कंट्रीज आ जाएंगे और जो कंट्री में आप नहीं बेच रहे हो उसको आप हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये आता है कि सेल ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर, मतलब कि मैं सारे कंट्री में बेचूंगा एक्सेप्ट दो तीन कंट्रीज, तो आप उन कंट्रीज का नाम यहाँ पे मेंशन कर दो। मतलब यही बात है यहाँ पे कि ज्यादा कंट्री आप अगर बेच रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि एक्सेप्ट फॉर, मतलब अगर आपको पता है कि इन 10 कंट्री को छोड़ के मैं पूरे वर्ल्ड में बेचूंगा तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, या आपको पता है कि मैं पर्टिकुलर 10 कंट्री में ही बेचूंगा तो आप ये वाला सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर सारे जगह पे कर रहे हो तो आप सेल टू ऑल कंट्रीज कर सकते हो। अगर जैसे सेल टू ऑल कंट्रीज बेसिकली डिजिटल प्रोडक्ट्स के में ही काम आता है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट्स शिप कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस किस कंट्री में कर सकते हो, ठीक है। तो ये था ऑप्शंस। दूसरा है शिपिंग लोकेशन, मतलब आप यहाँ पे सेलेक्ट ये कर सकते हो कि आप किस किस कंट्री में शिप कर सकते हो। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से आता है, शिप टू ऑल कंट्री यू सेल टू, मतलब कि आप जिस कंट्री में बेच रहे हो उसका सब सारे कंट्री में आप पहुंचाओगे सामान, या फिर सारे कंट्रीज में पहुंचाओगे शिप टू ऑल, जिसमें नहीं बेच रहे हो उसमें भी, या फिर शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, और डिसेबल शिपिंग एंड शिपिंग कैलकुलेटर। मतलब ये इसका मतलब है कि आप डिसेबल कर दो शिपिंग, कि मैं किसी को पहुंचा नहीं रहा हूं चीजों को, मतलब डिजिटल प्रोडक्ट, या तो डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो या आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट बता रहे हो कि यहां से आके आप ले जाओ बाई करने के बाद। तो ये दो ऑप्शन हो सकता है, या फिर कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट हो तो आप डिसेबल कर दोगे अपना शिपिंग और शिपिंग का कैलकुलेशन। और अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री तक ही शिप करते हो तो आप यहाँ पे उसी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो जिस तरीके से सेल टू ऑल कंट्री वाले में आपने किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल टू, मतलब जिस कंट्री में मैं बेच रहा हूँ हर एक कंट्री में मैं सामान पहुंचाऊंगा। अब जो तीसरा ऑप्शन आता है इसमें जनरल ऑप्शन में, वो है डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, कि कस्टमर का लोकेशन कैसे ट्रैक करना है, बाय डिफॉल्ट मतलब क्या देना है कस्टमर का लोकेशन। एक तो होता है कि नो लोकेशन डिफॉल्ट, मतलब डिफॉल्ट कोई लोकेशन नहीं है, जब तक वो बंदा अपना एड्रेस नहीं डालेगा तब तक शिपिंग कैलकुलेट नहीं होगा या फिर टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। दूसरा है कि डिफॉल्ट उसको हम लोग उस आधार पे दे रहे हैं शॉप बेस एड्रेस, मतलब हम ये अज्यूम करते हैं कि जहां हमारा शॉप है वहीं पे कस्टमर है, तो डिफॉल्ट ये देते हैं। डिफॉल्ट का मतलब ये हुआ कि जब कस्टमर चेंज करना चाहे तो अपने एड्रेस के टाइम पे चेंज कर देगा, पर जो पहले प्राइस है, जब तक वो अपना शिपिंग एड्रेस या फिर बिलिंग एड्रेस नहीं डालता तब तक वो प्राइस किस बेस पे कैलकुलेट होगा, तो हमने ये डाल दिया कि जहां पे हमारा बेस स्टोर है उसी के हिसाब से होगा। या फिर जियो लोकेट, मतलब उसके ब्राउजर से वो लेगा कि कहां पे बंदा है, ठीक है। और सबसे लास्ट ऑप्शन है जियो लोकेट विथ पेज कैशिंग सपोर्ट, मतलब एक बार बंदे का जियो लोकेट कर दिया तो उसके ब्राउजर में आप कैश कर दो, वहीं से रीड कर लेना, बार बार लोकेशन का एक्सेस मांगने की जरूरत नहीं है। तो आप ये नो लोकेशन बाय डिफॉल्ट कर दो, बेटर रहेगा, ताकि बंदे को आप प्राइस लो दिखाओ जब तक वो नहीं दिखाता कि वो कहां पे सेल, मतलब स्पेसिफिक शिपिंग पॉइंट देना जब तक नहीं चाहता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, जो मैं बोल रहा था कि इनेबल टैक्सेस, तो यहां पे आप जब इनेबल करोगे इनेबल टैक्स रेट एंड कैलकुलेशन, तो यहां पे आपको एक ऐड हो जाएगा पर्टिकुलर
टैब जो जिसके जिसमें आप टैक्स के बारे में सेटिंग्स कर सकते हो। तो चलो पहले इसे इनेबल करके ही दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे मैं करता हूँ सेव चेंजेस और आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक टैक्स का ऑप्शन आ चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, अब आ गया इनेबल कूपन्स, मतलब कूपन कोड अप्लाई होगा या नहीं है वो यहाँ से आप टिक लगा सकते हो। तो फिलहाल इसे टिक रहने देते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कूपन अप्लाई हो। अब यहाँ पे क्या है कि कूपन डिस्काउंट सिक्वेंसली कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंसली, अब इसमें अगर आपने टिक कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा दो कूपन अप्लाई करता है तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले 20% का कूपन लगाया तो अगर 100 रुपए का था तो 80 रुपए हो गया। अब फिर से अगर उसमें 10% का कूपन लगा दिया तो 80 का 10% और डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा होता है जब आप इसमें टिक नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि वो ओवरऑल लगेगा, 30% सीधा लगेगा टैक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको इसको अप्लाई कर देना चाहिए कि सिक्वेंसली अप्लाई करो, ये नहीं कि आप 10% सीधा फिर 100 पे लगाओगे, नहीं। अगर अमाउंट घट के 80 आ गया तो उसके ऊपर 10% अमाउंट लगेगा, ठीक है। तो मैंने इस पे टिक कर दिया। अब जो लास्ट में ऑप्शन मिलता है वो हमें मिलता है करेंसी का ऑप्शन, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। ये तो इंस्टॉलेशन के टाइम में भी पूछ लेते हैं, अगर बाद में अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने करेंसी अभी इंडियन रुपी कर रखा है, करेंसी पोजीशन ये कर रखा है कि आगे दिखाओगे आइकन या पीछे दिखाओगे, ठीक है। वो हमने कर दिया है कि देखो लेफ्ट विथ स्पेस, राइट विथ स्पेस, लेफ्ट राइट, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। लेफ्ट ही मैं फिलहाल रखता हूँ। उसके बाद है 1000 सेपरेटर कि 1000 के बाद आप कौन सा कॉमा से सेपरेट करना चाहते हो या हाइफन से सपोर्ट करना चाहते हो, जो भी है बेसिकली कॉमा से ही होता है हर जगह पर इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है। फिर है डेसिमल, डेसिमल ऑफ सी बात है कि डॉट से ही होगा, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। और फिर है कि डेसिमल नंबर ऑफ डेसिमल, डेसिमल कितने डिजिट तक, तो ऑब्वियस बात है पैसा हमेशा 2 डिजिट में ही कैलकुलेट किया जाता है, तो मैंने 2 डिजिट रखा हुआ है बस। तो ये है आपका जनरल सेटिंग्स। नेक्स्ट में बात करूंगा मैं प्रोडक्ट सेटिंग्स के बारे में।